KSN 24 पल पल की खबर। पाली थाना क्षेत्र के पाली शहर में गुरुवार की दोपहर एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां के कोऑपरेटिव बैंक से पैसा निकालने पहुंचा एक ग्रामीण उठाईगिरी का शिकार हो गया। अपाचे बाइक में पहुंचे दो युवकों ने पीड़ित के बाइक के बैग से सभी 90,000 रुपए निकाल लिए और फिर बाइक से ही फरार हो गई। पीड़ित ने कुछ ही दूर पर आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर दोनों नजरों से ओझल हो गई। पुलिस ने दोनों अज्ञात उठाईगिरों के खिलाफ भादवी की धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाली थाना अधिकारी ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे पाली थाना क्षेत्र के चैतमा के बमनीन खुर्द का रहने वाला 61 वर्षीय अमर सिंह कंवर अपनी होंडा साइन बाइक से पाली के सहकारी बैंक पहुंचा हुआ था। उसने बैंक से 90,000 रुपये आहरित किए। पीड़ित अमर सिंह ने बैंक में ही सभी नोटों के गिनने के बाद उन्हें अपने गमछों में लपेटा और अपने बाइक के बैग में रख दिया। नकद को असुरक्षित तरीके से रखने के बाद अमर सिंह पैदल ही मेले की तरफ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे याद आया कि वह अपना हेलमेट बैंक परिसर में ही भूल गया है। उसे लेने जैसे ही वह वापस बैंक पहुंचा तो एक 25 से 30 साल का युवक उसके बाइक के बैग से नकदी निकाल रहा था। यह देख अमर सिंह ने चोर चोर की आवाज़ लगाई, लेकिन थोड़ी ही दूर में उठाईगिर का एक साथी हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठा हुआ था। उसके साथ वह भागने में सफल हुआ। अमर सिंह ने उन्हें कुछ दूर तक उन्हें दौड़ाया, लेकिन मेले की वजह से सड़क पर बड़े ट्रैफिक के बीच दोनों अटल चौक के पास आकर गायब हो गए। इसकी सूचना बदहवास अमर सिंह ने फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद दोनों अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उठाईगिरों के पहचान करने सहकारी बैंक में लगी CCTV के फुटेज को खंगाला है, जिसमें दोनों ही युवकों की तस्वीर कैद हो गई है। दूसरी तरफ सूचना मिलते ही थाना क्षेत्र के आसपास नाकेबंदी कर दी गई। इस पूरे मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को भी पुलिस ने दे दी है। थाना प्रभारी राजेश पटेल ने दोनों को जल्द हिरासत में लेने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।